जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूटिलिटी और इसके फीचर्स की। यूटिलिटी का सिंपल मीनिंग होता है यूजफुलनेस। जैसे कि आप अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, गैस यूज करते हो, केबल यूज करते हो, ये हो गई आपकी यूटिलिटी। बट इन इकोनॉमिक्स यूटिलिटी इज द कैपेसिटी और पावर ऑफ एनी कमोडिटी एनी सर्विसेज विच सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स। इसका मतलब ये कि किसी भी कमोडिटी और सर्विस में इतनी यूटिलिटी होनी चाहिए जिससे आप सेटिस्फाइड हो सको और मनुष्य की सारी जरूरतें पूरी हो सके। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना खाया, आप उस फूड से सेटिस्फाइड हुए। इसका मतलब ये दोस्तों, उस फूड में इतनी यूटिलिटी थी कि उसने आपको सेटिस्फाइड कर दिया। आपने वेटर को कुछ टिप दिया क्योंकि आप उसकी सर्विस से भी सेटिस्फाइड हुए। ये हुई सर्विस यूटिलिटी। दोस्तों यूटिलिटी सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है, इसके कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स होते हैं जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी के पॉइंट्स को आसानी से याद रखने के लिए मैं आपको बताने वाला एक आसान सा ट्रिक, जिसे आप तब तक नहीं भूलोगे जब तक आप इसे भूल नहीं जाते। तो आइए दोस्तों देखते हैं ट्रिक। रात को सबने एक साथ 3D में उरी उजड़ा चमन उड़ता पंजाब देखा। R से बनता है रिलेटिव कॉन्सेप्ट, S सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, E एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, D डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस, D डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर, D डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फेक्शन, M मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल, U यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज, U यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट, U यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। आइए दोस्तों अब इन पॉइंट्स पर टूट पड़ते हैं। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी इज रिलेटेड विद टाइम एंड प्लेस। इसका यह मतलब हुआ किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, वुलन क्लोथ्स की यूटिलिटी विंटर सीजन में ज्यादा और समर सीजन में कम होती है। ऑन द अदर हैंड, सेम वुलन क्लोथ्स की यूटिलिटी कश्मीर में ज्यादा और कन्याकुमारी में कम होती है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी इज साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, देयरफॉर इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि सभी पर्सन्स के लाइक्स, डिसलाइक, टेस्ट, प्रिफरेंस, उनके हैबिट, उनका नेचर और उनके प्रोफेशंस अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शिवानी को लॉलीपॉप पसंद है क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन है, बट अनामिका को लॉलीपॉप बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि वो वेजिटेरियन है। राजू को तानाजी मूवी बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसे एक्शन मूवी पसंद है, बट सौरभ को तानाजी मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि उसे कॉमेडी मूवी पसंद है। नेक्स्ट पॉइंट है एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। एथिकली मीन्स गुड और बैड, न्यूट्रल मीन्स जीरो। इसका यह मतलब हुआ यूटिलिटी को नहीं पता होता कि उसका रिजल्ट गुड होगा या बैड होगा, बट वो ह्यूमन वॉन्ट्स को सेटिस्फाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, साइली का बर्थडे है, साइली ने अपने बर्थडे में नाइफ से केक काटा, बट जैसे ही उसे पता चला कि उसके हस्बैंड ने उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया, उसने उसी नाइफ से अपने पति का पेट काटा। तो इससे क्या सबक मिलता है? सर, इससे यह सबक मिलता है कि हमें वाइफ को हमेशा गिफ्ट देना चाहिए। नहीं, इससे यह सबक मिलता है कि यूटिलिटी एथिकली न्यूट्रल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। इसका यह मतलब हुआ कि यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। यूटिलिटी ह्यूमन वॉन्ट्स को सेटिस्फाइड करने की बात करता है, बट यूजफुलनेस ह्यूमन बींग के बेटरमेंट और बेनिफिट की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क, मेडिसिन, वेजिटेबल्स में यूटिलिटी भी होती है, यूजफुल भी होती है। ऑन द अदर हैंड, एल्कोहल, सिगरेट, इनमें यूटिलिटी तो होती है, बट ये ह्यूमन बींग के लिए यूजफुल नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट है यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है हैप्पीनेस। किसी कमोडिटी में आपके लिए यूटिलिटी हो सकती है, बट जरूरी नहीं कि उससे आपको प्लेजर मिले। फॉर एग्जाम्पल, इंजेक्शन, मेडिसिन, करेले का जूस, कभी सुना है किसी को कि डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया बड़ा मजा आया? नेक्स्ट पॉइंट है यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन।
utility is a cause of consumption, but satisfaction is a end result of consumption. आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं. अनुष्का आईमैक्स में सुपर 30 देखने गई, वो 3 घंटा थिएटर में बैठी रही, इसे कहते हैं कॉज ऑफ कंजप्शन. बट मूवी देखने के बाद उसे सेटिस्फेक्शन मिला या नहीं मिला, इसे कहते हैं एंड रिजल्ट ऑफ कंजप्शन. देयरफॉर यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल. हाइपोथेटिकल मीन्स इमेजिनेटिव और इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर बिकॉज इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट. एब्स्ट्रैक्ट मीन्स इट कैन नॉट बी सीन और टच, यू कैन जस्ट फील इट. फॉर एग्जाम्पल आपको लॉयर ने एडवाइस दिया, आप उसे ना देख सकते हो ना टच कर सकते हो, आप बस उसे फील कर सकते हो. देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इन नंबर इज नॉट पॉसिबल. चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. पूनम अपने फ्रेंड से छुप कर गोलगप्पा खाने चली गई. पहला प्लेट खाते ही बोली, वाह भैया 20 रुपए का 20 मजा आया. दूसरा प्लेट खाते बोली, क्या भैया सिर्फ 10 रुपए का मजा आया. तीसरा प्लेट खाने के बाद बोली, भैया 0 मजा आया 0. इतने में उसके फ्रेंड ने उसे चौथा प्लेट खिला दिया, जिससे उसने जो भी खाया था वो सब भी बाहर आ गया. इसका मतलब ये दोस्तों, यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव. नेगेटिव यूटिलिटी को डिस यूटिलिटी बोलते हैं. बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज. मल्टीपर्पज मीन्स कोई ऐसी कमोडिटी जिसका एक साथ बहुत सारे लोग यूज करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल बस हो गया, ट्रेन हो गया. सेकेंड एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, जिसका यूज हम बहुत सारी चीजों में करते हैं, टीवी के लिए, फ्रिज के लिए, मोबाइल चार्जिंग के लिए. थर्ड एग्जाम्पल है मनी, जिसका यूज हम बहुत सारी चीजों के लिए करते हैं. अगर आपको भी कोई ऐसी कमोडिटी पता है जिसका यूज बहुत सारी चीजों के लिए होता है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना. नेक्स्ट पॉइंट है यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट. इंटेंसिटी मीन्स अर्जेंट. अगर कोई कमोडिटी आपके लिए बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो उस कमोडिटी की यूटिलिटी आपके लिए बढ़ जाएगी. ऑन दी अदर हैंड अगर वो आपको ज्यादा जरूरी नहीं है तो उसकी यूटिलिटी आपके लिए नॉर्मल होगी. बात करते हैं ब्लड बैंक की. अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है या उसे ब्लड की ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो ऐसी सिचुएशन में ब्लड बैंक की यूटिलिटी उसके लिए बढ़ जाएगी. सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं. मैनेजमेंट डिजास्टर की यूटिलिटी तब बढ़ जाती है जब कभी अर्थक्वेक और फ्लड आता है. अदरवाइज नॉर्मल डेज में डिजास्टर मैनेजमेंट की यूटिलिटी नॉर्मल होती है. लास्ट पॉइंट है यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड. इसका यह मतलब हुआ कि किसी भी कमोडिटी को आप तभी परचेस करोगे जब उसमें आपको कुछ यूटिलिटी मिले. फॉर एग्जाम्पल आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, आप साइंस की बुक्स नहीं परचेस करोगे क्योंकि साइंस की बुक में आपके लिए कुछ यूटिलिटी नहीं होगी. दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र.